कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो आर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप को देखें तो ये फर्दर दो ग्रुप से बना होता है यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसीलिए इसका नाम कार्बोक्सिल ग्रुप है अगर हमारे पास ओपन चेन सैचूरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हों तो उनका जनरल फार्मूला सी एन एच टू एन प्लस वन सी ओ एच है यहाँ पर ओपन चेन सैचुरेटिड मोनोकारबोक्सलिक एसिड्स का क्या मतलब है अगर आपके पास रिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं या अन यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाते हैं या दो कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं तो फार्मूला ये नहीं रहेगा हमें ये पता है कि यह फार्मूला एल्केन से डिराइव्ड है एल्केन का जनरल फार्मूला सी एन टू एन प्लस टू होता है अगर एक हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं देयर फॉर दिस जनरल फार्मूला अप्लाइज टू ओपन चेन सेचूरेटेड मोनोकार्बोक्सलिक एसिड्स ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम ऐसे शो करते हैं जहां पर आर कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है या एराइल ग्रुप हो सकता है अगर हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा चेन के एंड में रहेगा इसकी वजह यह होती है कि यहाँ पर कार्बन के पास एक ही वैलेंसी है जो कि ये फुलफिल कर सकता है किसी और एल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाकर इस साइड पर कार्बन बॉन्ड नहीं बना सकता देयरफॉर इट विल ऑलवेज बी एट द एंड ऑफ द चेन इसीलिए ओपन चेन कंपाउंड्स में दो से ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं हो सकते एक चेन के एक एंड पर और दूसरा दूसरे एंड पर बहुत से कार्बोक्सिलिक एसिड्स उन कॉमन नेम से पहचाने जाते हैं जो सिस्टमेटिक नेम्स इवॉल्व होने से पहले उन्हें दिए गए इनमें से ज़्यादातर नाम इनके ओरिजिन पर बेस्ड हैं मिसाल के तौर पे फार्मिक एसिड का नाम लेटिन वर्ड फार्मिका से डिराइव्ड है जिसका मतलब एंड्स है क्योंकि सबसे पहले ये एंडस के स्टिंग में डिस्कवर हुआ इसलिए इसको ये नाम दिया गया इसी तरह से एसिटिक एसिड का नाम लेटिन वर्ड एसीटम से डिराइव्ड है जिसका मतलब विनेगर होता है चूँकि ये विनेगर में पाया जाता है इसलिए इसको ये नाम दिया गया लेटिन वर्ड कैपर कई एसिड के नाम की बेस बनाता है इसका मतलब गोड्स होता है मिसाल के तौर पे कैप्रोइक एसिड कैप्रिलिक एसिड और कैप्रिक एसिड अब हम कॉमन नेम्स की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एक कार्बन आइटम रखने वाला एसिड फार्मिक एसिड दो वाला एसिटिक एसिड तीन वाला प्रोपियोनिक एसिड चार वाला अगर स्टेट चेन है तो एनब्यूटैरिक एसिड और अगर उसमें ब्रांचिंग है तो आइसोब्यूटैरिक एसिड पाँच कार्बन एटम्स वाला स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एनवलैरिक एसिड यहाँ पर पाँच कार्बन एटम्स ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं बट फ्रॉम नेम इट इज एविडेंट इट इट इज कंसिडर टू बी अ डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड के तीन हाइड्रोजन जब तीन मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाती हैं देन वी गेट ट्राई मिथाइल एसिडिक एसिड फिर हम आते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर सिंपलेस्ट वन ऑक्सैलिक एसिड जिसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में अटैस्ड हैं फिर जब दरमियान में एक मिथाइलिन ग्रुप आता है तो मिलोनिक एसिड दो मिथाइलिन ग्रुप आने से सक्सनिक एसिड पाँच कार्बन एटम वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूटेरिक एसिड और छः वाला एडिपिक एसिड फिर आते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सलिक एसिड्स सिंपलेस्ट वन बेंजोइक एसिड जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है और दो कार्बोक्सिल ग्रुप वाला थैलिक एसिड अब हम ये देखते हैं कि कॉमन नेम्स में पोजीशन ऑफ सब्सिटेंट कैसे मेंशन होगी हम इसके लिए कार्बन आइटम्स की लेबलिंग करते हैं और लेबलिंग के लिए हम ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं द कार्बन आइटम टू कार्बोक्सिल ग्रुप इज ने आर लेबल्ड एज एल्फा द नेक्स्ट वन बीटा एंड द नेक्स्ट वन गैमा यहाँ पर बीटा कार्बन आइटम के साथ एक क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा बीटा क्लोरो और वन टू थ्री फोर सिंस फोर कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट हर देर फोर ब्यूटैरिक एसिड जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि चार कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ब्यूटारिक एसिड कहते हैं अब हम ये देखते हैं कि आयोपैक सिस्टम ऑफ नॉर्मन क्लेचर में एसिड्स को कैसे नाम दिया जाएगा यहां पर हमारे पास थ्री स्टेप्स हैं। नेम ऑफ द पेरेंट कंपाउंड, नंबरिंग द चेन एंड नेमिंग फंक्शनल नेम ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट होते हैं इसलिए जब कभी किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो पेरेंट कंपाउंड हमेशा एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा पेरेंट कंपाउंड को नाम देते हुए एल्कीन के नाम के एंडिंग ई e को रिप्लेस किया जाता है ओइक एसिड से चेन को नंबर देते हुए कार्बोक्सिल ग्रुप को हमेशा पहली पोजीशन दी जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नाम देते हुए अगर हमारे पास ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो हम कार्बोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को मेंशन नहीं करते इसलिए कि वो हमेशा चेन के एंड्स में होते हैं और अगर हमारे पास एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो हम उनकी पोजीशन को मेंशन करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल नेम है एल्केनोक एसिड डाई एसिड के केस में अगर वो ओपन चेन है देन दे विल बी एसिड। और अगर वो एरोमेटिक हैं तो हमें उन कार्बन एटम्स की पोजीशन को मेंशन करना पड़ेगा जहां पर वो अटैच हैं और उसके बाद हाइफन लगाकर बेंसिन डाई ओइक एसिड यूज करना पड़ेगा पेरेंट कंपाउंड को नेम देते हुए कार्बोक्सिल ग्रुप हमेशा प्रेफर्ड ग्रुप होता है इस बात का मतलब यह है कि जब कभी कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में मौजूद होगा तो कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाएगी और पेरेंट कंपाउंड का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड होगा मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस कंपाउंड में हमारे पास अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप इकट्ठे प्रेजेंट हैं प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कार्बोक्सिल ग्रुप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी सेकेंड पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है इसलिए इस कंपाउंड का नाम टू अमाइनो एथानोइक एसिड होगा एथानोइक एसिड इसलिए क्योंकि इसमें दो कार्बन एटम्स मौजूद हैं इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हैं प्रेफरेंस कार्बोक्सिल ग्रुप को दी जाएगी वन टू थ्री एट सेकेंड पोजिशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट देर द नेम इज टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड उसके बाद हम ये देखते हैं कि एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नेम कैसे डिराइव होते हैं इसके लिए कोरोस्पोंडिंग एल्किन के एंडिंग नेम के एंडिंग ई को रिप्लेस किया जाता है ओइक एसिड से इस तरह से मीथेन से एक कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मैथनोइक एसिड हो जाएगा इथेन से एथनोइक एसिड प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड ब्यूटेन से ब्यूटानोइक एसिड पेंटेन से पेंटानोइक एसिड एंड सो ऑन स्टेप में चेन को नंबर दिया जाता है नंबरिंग देते हुए कार्बोक्सिल कार्बन को हमेशा फर्स्ट पोजीशन दी जाती है उसके बाद हम ये देखेंगे कि हाउ टू नेम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोकार्बोक्सिल एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड को नाम देते हुए अगर हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स हैं तो हम कार्बोक्सिल ग्रुप की पोजिशन को मैंशन नहीं करते क्योंकि ये हमेशा चेन के एंड में होता है हमारे पास पहली एग्जाम्पल में कार्बोक्सिल ग्रुप को पहली पोजीशन दी गई सेकेंड नंबर पर एक मीथाइल ग्रुप अटैच है और ये है थर्ड कार्बन इसका नाम हो जाएगा टू मीथाइल प्रोपेनोइक एसिड इस केस में सेकेंड कार्बन पर दो मीथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं the दे फोर द नेम इज टू टू डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम हम बेंजोइक एसिड रखते हैं अगर एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो इसका दूसरा नाम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड डाई एसिड्स के लिए जनरल नेम है एल्केन डाईक एसिड इस केस में भी हम पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप शो नहीं करते इसकी वजह यह होती है कि दोनों ग्रुप चेन के दोनों एंड्स पर पाए जाते हैं सिंपलेस्ट

सबसीटेंट्स की पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ता वन टू थ्री फोर एट सकेंड एंड थर्ड पोजीशन टू हाइड्रोक्सल ग्रुप्स आर प्रेजेंट देर फोर टू थ्री डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाई ओइक एसिड जब हम एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे आते हैं तो हमें यहाँ पर पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप शो करनी पड़ती है उसकी वजह वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर ये मौजूद हो सकता है इस केस में इसका नाम हो जाएगा वन टू बेंजीन डाईक एसिड या बेंजीन वन टू डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों नेम वैलिड हैं आपके बुक से कुछ क्वेश्चंस इन्हें सॉल्व कीजिएगा गुड लक